गाइस दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2022 कैडिलैक एस्केलेड स्पोर्ट्स प्लैटिनम 6.2 लीटर V8 इंजन 420 हॉर्स पावर एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। सो ये है ऑल न्यू 2022 कैडिलैक एस्केलेड। यस ऑल न्यू इसलिए बोला 2021 मॉडल ईयर के लिए आई थी, बट ये आप देख रहे हो फुल ब्लैक्ड आउट ब्लैक ग्रिल जो है ब्लैक एस्केलेड, जो कि है बहुत सिग्निफिकेंट चीज़। आपको पता ही होगा ब्लैक एस्केलेड का जो अलग ही अपील है, बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस में जो है व्हीकल है माफिया से लेके जो है मतलब इंडिया में जैसे ना पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन तक फॉर्च्यूनर काफ़ी पॉपुलर है, ऑल दे बहुत सेगमेंट ऊपर आते हैं, उसकी वजह से इसकी जो अपील है वो और भी ज़्यादा है। नॉट ओनली एक्सटीरियर लुक्स एंड जो अपील है व्हीकल का, प्रीवियस जनरेशन मैंने कहा था नॉट माय फेवरेट थिंग जो थी वो एस्केलेड जो है राइड के मामले में फीचर्स के मामले में, बट अभी ये मॉडल जो है जैसे इसका इंटीरियर अभी स्पेशली ये पर्टिकुलर जैसे पूरी ब्लैक व्हीकल है ये, अंदर जो इसका पर्पल एंड ब्लैक जो है कॉन्ट्रास्टिंग इंटीरियर आता है, जो फीचर्स है इसमें ये व्हीकल में जो फर्स्ट एवर जो कर्व OLED डिस्प्ले आया था, 36 स्पीकर का जो इसमें साउंड सिस्टम आता है, दैट्स रियली क्रेजी, वन ऑफ द मतलब क्रेजीएस्ट साउंड सिस्टम जो है मैंने सुना है, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कूल फीचर्स ये व्हीकल में आते हैं उसके ऊपर आएंगे, बट ये जो है मैं थर्ड वीडियो जो है ये एस्केलेड के ऊपर बना रहा हूँ। लिटरली दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट व्हीकल्स जो है, जब भी मुझे मौका मिलता है एस्केलेड अपने पास रखने का आई नेवर से नो। सो पहले जो अपने पास थी वाइट कलर की थी एंड वो डीजल वेरियंट था, सो उसके ऊपर जो मैंने पूरा डिटेल में जो इसके एक एक फीचर इंटीरियर एक्सटीरियर में जा चुका हूँ, सो इसलिए थोड़ा वीडियो जो हम सिर्फ मेन पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। बाद में मेरे पास वो सेम व्हीकल वापस आई थी, अपने स्पेशल शूट किया था उसमें जो तभी मैंने मेरे रीजनल लैंग्वेज में मराठी लैंग्वेज में जो उसमें ओवर वीडियो बना था। सो एनीवेज वो जो डीजल व्हीकल थी 3 लीटर का जो उसमें डीजल ड्यूरामैक्स इंजन था, इसमें ऑफकोर्स आपको जो है 6.2 लीटर का V8 इंजन आता है जैसे मैंने कहा था। सो अभी फ्रंट में जो है जैसे कि ऑल न्यू जनरेशन है एस्केलेड का, सो इसका जनरेशन एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे वो सारा जो हम ड्राइविंग पार्ट में कवर करेंगे, बट अभी जो अगर इसके स्टाइलिंग की बात की जाए इसमें आपको हॉरिजॉन्टल हेडलाइट्स आते हैं एंड इसमें भी जो डिटेल्स है फुल LED सेटअप आता है। सो ये जो खड़े आप देख रहे हो इसके डे टाइम रनिंग जो लाइट्स है एंड ये इसके एक्चुअल हेडलाइट्स है। जैसे व्हीकल का फ्रंट लुक है एकदम जो बॉक्सी ऊंची जो है SUV, अभी आप देख रहे हो इसमें एयर सस्पेंशन आते हैं, इसके लोएस्ट सेटिंग में है व्हीकल, 3 राइड हाइट सेटिंग आते हैं। सो जैसे जस्ट लोगों का साइज देखो, मेरा हाथ जो है वो भी कम पड़ रहा है लोगों के लिए एंड इसके नीचे जो आपका 360 कैमरा है एंड जस्ट लुक एट द मैसिव ग्रिल जो है। सो ओवरऑल जो है रोड प्रेजेंस है व्हीकल, जब ये व्हीकल मुड़ रही होती है जैसे दिखती है या आपकी तरफ आ रही होती है, इट्स रियली लुक्स अमेजिंग। साइड में जो इसके देख सकते हो अगेन सेम जो है बॉक्सी SUV जो है पूरे दिख के आते हैं, बट इसकी साइज़ का आइडिया जो है लेंथ का स्पेशली जो है आइडिया आ रहा होगा। सो इसमें जो एक लॉन्गर व्हील बेस वर्जन में आता है इसका ESV वो ये नहीं है। सो मेजर डिफरेंस जो आपको लगेगा इसके ग्लास एरिया में जो बड़ा होगा थर्ड रो में एंड इसके बूट में जो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। एंड दूसरा चीज़ जो इसके साइज़ का, ये जो रिम्स आप देख रहे हो डायमंड कट फिनिश है, ग्रे व्हील्स है, इसमें जो आपको व्हील लॉक वगैरह जो है ये टॉप ऑफ द लाइन जैसे वेरियंट है इसमें आ जाते हैं। सो ये जो 22 इंच के रिम्स है, 22 इंच के रिम्स प्रीटी स्टैंडर्ड जो है साइज जो इसमें दिख के आती है। तो साइड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आप सिल्वर कलर का लोगो देख रहे हो, जो मैंने मेरे व्हाइट कैडिलैक के जो शॉर्ट्स पे उसमें ये जो ऑनिक्स एडिशन करके पहले आता था, सो उसमें जो है आपको ये सिल्वर लोगो जो है फ्रंट में मिल जाता है, इसमें एक्चुअल जो कलर वाला कैडिलैक का लोगो है वो आता है। सो साइड में जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो है डोर के ऊपर जो है लाइटिंग आती है, स्पेशली इसका लाइटिंग शो जो है जैसे आप कार को अप्रोच करते हो ना रात में दिन में कभी भी, इसके जो LED लाइट्स है फ्रंट में वो ऐसे पल्स करते हैं आपको वेलकम करने के लिए, देन साइड में लाइट जलते हैं, यहाँ पे जो है एक कैडिलैक क्रेस्ट आता है लोगो जो ग्लो हो जाता है, पीछे के टेल लाइट्स पे ऐसे कुछ डांस करते हैं स्वाइप करते हैं, पूरा लाइटिंग शो जो आपको वेलकम करने के लिए जो व्हीकल दे देते हैं। तो साइड में लाइट्स आते हैं, जैसे आप डोर ओपन करते हो इसके फुटस्टेप बाहर निकल के आते हैं उसमें आपको लाइट्स मिल जाते हैं एंड ये डोर हैंडल जो है एक्चुअल में स्टैंडर्ड हैंडल दिखता है पर वो बाहर ओपन नहीं होता, उसके अंदर जो आपको बटन आता है। और एक छोटी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूजुअली होता है ना कीलेस एंट्री का, यहाँ पे एक टच होता है, सो वो टच जहाँ करना होता है वो भी जो एक छोटा कैडिलैक का लोगो है, सो एक छोटी डिटेल जो है मुझे वो अच्छी लगी। अगेन 360 कैमरा वगैरह जो है, ये एक्सटीरियर मिरर भी है वो जो ऑटो डिमिंग है। देन इसके रियर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बड़ा कैडिलैक का लोगो आप देख सकते हो,
एंड ये जो रियर लुक है, ओवरऑल भी लुक मैंने कहा था पहले एस्केलेड का कुछ इतना मुझे खास नहीं लगा था, बट ये जो जैसे डिज़ाइन देख के आता है, ये सिंपल बॉक्स ही ऐसी हुई है, बट जैसे कट्स है ना, जैसे स्टांस आता है, इवन फ्रंट से भी जो है, जैसे फ्रंट फ्लैप्स तक जो मड फ्लैप्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, या रियर से भी जो है क्वार्टर एंगल से इसका जो रियर क्वार्टर विंडो है, एंड ओवरऑल रियर साइड पर जो शॉट्स अभी प्ले हो रहे होंगे, लिटरली जो है व्हीकल का लुक काफ़ी अच्छा दिख के आता है, सिंपल येट एलिगेंट जो है मैं बोल सकता हूँ। जैसे ये देखो, ये लाइन्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, बम्पर जैसे बाहर निकल के आता है, ये जो इसका टोइंग रिलेटेड है, जो इसका अब ये कवर आपको मिल जाए उसके अंदर है। दूसरा चीज, इसमें $2,700 कैनेडियन का जो है इसमें ऑप्शनल जो है कैटबैक स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट आता है। यस, एकदम भी एकदम स्पोर्टी एग्जॉस्ट नहीं है, यस V8 इंजन है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हीकल का मेन पर्पज जो है वो है स्मूथ होना। डेफिनेटली स्पोर्ट्स मोड में जो इसका एग्जॉस्ट नोट जो है मैं आपको ड्राइविंग पार्ट जो है स्टार्ट करने से पहले सुनाऊंगा। सो जो है इसमें एक ऑप्शन जो है व्हीकल में ऐड किया गया। दूसरा चीज़ जो है मैंने आपको बताया ना, टेल लाइट डांस करते हैं, और टेल लाइट्स का इफेक्ट भी देखो, जैसे इसका इंडिकेटर है एंड देन एक्चुअल टेल लाइट्स है, उसके अंदर का जो फिनिशिंग है लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल जो है। एंड देन साइड में जो मैंने कहा था ना रिफ्लेक्टर आता है, रेगुलेशन होता है नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स में, फ्रंट में एंड रियर में रिफ्लेक्टर होना चाहिए। उसके साइड का रिफ्लेक्टर है वो भी जो एक काइंड ऑफ कैडिलैक लोगों का जो क्रेस्ट है, तो ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है काफ़ी है व्हीकल में। अभी जैसे इसके कंपटीशन व्हीकल्स आते हैं एंड देन जो है जैसे टाहो पे ये बेस्ट है, मैंने कहा था ड्राइविंग पार्ट में जो कवर करेंगे, तो सेम जो है स्प्लिट, जो है स्प्लिट टेलगेट नहीं आता बट दो ओपनिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसको दो कैमरा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों, बट यहाँ पे जो है इसका एक बटन आता है, वो बटन प्रेस कर दिया, देखा आपने, ये जो है इसका बस रियर ग्लास जो है वो ओपन हो गया। एंड रियर ग्लास ओपन होने के बाद अभी आपको किसी वाइपर नहीं दिख रहा होगा, सो यूजुअली आपने देखा ना स्पॉइलर के पीछे वाइपर हिडन होता है, बट इसमें तो एक ग्लास ही ओपन होता है। तो ग्लास ओपन होने के बाद एक्चुअल में देखो वाइपर जो है यहाँ पे है, ये वाइपर। सो यस, तो आप सोच रहे होंगे कि वाइपर चल रहा है, तो वो वैसा नहीं होगा, वाइपर जो है अपने आप ऑफ पोजीशन में जो चला जाएगा। तो यहाँ कुछ इसका वाइपर आता है, तो इसका बूट ओपन करने का बटन कैसे आता है, मैंने ग्लास बंद कर दिया, कहीं पर भी बटन नहीं है। सो एक्चुअल में जो आपको अच्छा खासा ज़ोर से करना पड़ता है, आप तो सीधा ये बैंग ही कर सकते हो। तो कैडिलैक एस्केलेड के लोगों के ऊपर प्रेस करने का इसका टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है। अभी टेल गेट ओपन करने के बाद भी इसमें अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है, जिसके थर्ड रो में जो, यस, अगर ये इसका ESV लॉन्ग व्हील बेस जो है, जो एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है इसका, एक्सटेंडेड कैब होता है जिसमें ये पीछे की विंडो मैंने कही थी आपको और बढ़िया थे, उसमें आराम से जो है पीछे बैठ सकता था। जैसे आप देख सकते हो मैं फोर्ड एक्सपीडिशन के शॉट जो है वो अभी प्ले हो रहे होंगे, स्टिल आपको जो है थर्ड रो ऊपर रहने के बाद भी जो है अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। सेकेंड रो फोल्ड करने के लिए बटन आता है इलेक्ट्रिकली, मैन्युअली आपको बस ऊपर लानी है, बट थर्ड रो जो आपको इसका आगे जो है ना, जहाँ से आप सनरूफ वगैरह कंट्रोल करते हो, उसमें भी इतने फंक्शनलिटीज है, बूट ओपन करने का भी वही पे है, सो वहाँ से जो आप इसके थर्ड रो ऊपर या नीचे जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ कुछ इसके बटन जो है यहाँ पे पीछे आ जाते हैं, इसके स्पीकर हाउसिंग के अंदर जो इसका क्रेजी साउंड सिस्टम मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर आएंगे। सो ऑफकोर्स वो जो है हम इंटीरियर पार्ट में जो है डेफिनेटली कवर करेंगे। मैं आपको उसके पहले जो है कैमरा बताया था, दो कैमरा, सो एक तो आपका स्टैंडर्ड रिवर्स कैमरा आता है, उसका वॉशर भी जो आपको मिल जाता है, रीजन बिंग जो है दूसरा कैमरा है, वॉशर इसलिए आता है तो उसकी एक धार जो है दो धार उसमें दोनों कैमरा पे जो मारते हैं, सो वो जो है इसका इनसाइड रियर व्यू आपका मिरर रहता है ना, वो भी कैमरा है, बट वो मोस्ट ऑफ द जनरल मोटर्स के प्रोडक्ट्स में जो आपको मिल ही जाता है। एंड देन अभी इसका इंटीरियर स्पेस जो मैंने कहा था, इतनी मैसिव व्हीकल है, वैसी मैसिव इंटीरियर स्पेस भी जो आपको आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर भी आप देख सकते हो पूरा 90 डिग्री जो ओपन हो गया, एंड ये पूरा ब्यूटीफुल पर्पल इंटीरियर जो है मैंने दिखाया था। ऑफकोर्स फ्रंट में जाएंगे, पहले जिसकी बैक सीट स्पेस आप देखो, लिटरली जो है लोअर बैक सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट, ये आर्मरेस्ट है, इसमें अभी करंटली कैप्टन सीट्स आते हैं। एंड देन ये जो इसमें पीछे स्क्रीन्स आते हैं, रियली वन ऑफ द नाइसेस्ट स्क्रीन्स टू यूज, इसमें आपको मैप दिख जाता है, बाकी मीडिया कंट्रोल जो है, HDMI पोर्ट आपको नीचे यहाँ पे आ जाता है। देन आपको जो इसमें कैडिलैक के जो है लिटरली जो है वेरी सॉलिड जो है ईयरफोन्स भी जो इसमें मिल जाते हैं विथ HDMI केबल। सो अच्छी खासी जो स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आ जाती है, बट वो भी जो है इसका जो है पीछे का जो कंसोल है, ये पूरा जो उसको स्टिचिंग दी गई है, पूरा लेदर रैप्ड है वो, सो एक अच्छा दिख के आता है। पीछे जो AC कंट्रोल्स भी जो आपको सिमिलर आगे जैसे बटन्स आते हैं टॉगल जैसे, वैसे ही आ जाता है 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल के, उसका भी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। सो ये स्क्रीन को जो है यहाँ पे नीचे आपको HDMI पोर्ट्स टाइप सी एंड पूरा जो है यहाँ पे आपको हाउस अडेप्टर मिल जाता है, रियली कूल थिंग जो है। एंड देन उसके बाद अभी इसके पीछे के सीट में जाए, तो ऑफकोर्स ये सीट जो है दो लैच आते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, बट जैसे कैप्टन सीट है, अब मैं तो इतनी स्पेस है इसमें,
लिटरली आप देखते हो ऐसे सीधा पीछे की सीट में जो है यहाँ से बीच में से आप जा सकते हो। एंड देन ये पीछे की सीट में आना थोड़ा अंदर है, पर लेग रूम भी आप देख सकते हो। मैं जो है पीछे की सीट में जो आराम से बैठ पा रहा हूँ। यहाँ पे जो बकल आता है ये सीट जो है वो फोल्ड करने के लिए पीछे से पैसेंजर को ही निकालना है, तो ये पूरी सीट जो है टम्बल डाउन हो जाती है वन फंक्शन में। सो गेटिंग इन एंड आउट इन थर्ड रो इज़ वेरी इजी, बट स्टिल अब मैं जो है स्पेस की बात कर रहा था अभी, जब वो कप होल्डर USB टाइप सी पोर्ट्स वगैरह जो है मिल जाते हैं। एंड देन फाइनली इसके फ्रंट में जो है मैंने अपने आपको इतने सारे फीचर्स बताए उसके ऊपर आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पूरा ब्यूटीफुल इंटीरियर देखो, ये लेआउट देखो। एंड मैंने पर्पल इंटीरियर की बात की थी, जो वुड फिनिशिंग आता है, क्रोम आता है जो जो ये व्हीकल में, जो ओवरऑल जो सारा कॉन्ट्रास्टिंग एंड इंटीरियर लेआउट दिखता है इट्स रियली वेरी नाइस जो है। इनफैक्ट स्टेयरिंग व्हील पर भी जो आपने देखा ग्लॉस होता है वो भी जो वुड फिनिशिंग दिया गया है। एंड देन उसके सराउंडिंग का जो क्रोम है वो अच्छा दिखता है। ऑफकोर्स कैडिलैक का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, देन ये सेंटर आर्मरेस्ट पे एस्केलेड वगैरह लिखा हुआ, बट इसमें जो स्पीकर्स आते हैं उसका भी फिनिश। एंड देन यहाँ जो सीट बेल्ट होता है जहाँ से आपका निकलता है उसके अंदर भी जो है वो प्लास्टिक का, बट जो क्रोम फिनिश दिया है वो अच्छा दिख के आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी इसके फीचर्स बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैंडेमिक का जैसे फ्यू फीचर जैसे मिसिंग, जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बताया ना मेरे पास व्हाइट एस्केलेट थी उसमें फ्रिज वगैरह आपको मिला था, दो सेटिंग्स है। इसका सेंटर आर्मरेस्ट भी जो पूरा फ्रिज था वो इसमें जो चिप शॉर्टेज की वजह से अभी आपको नहीं मिलता। आप देख रहे हो कहीं पे भी वायरलेस चार्जर नहीं है, बट जो ये मेरा फ़ोन अभी अंदर आप देख रहे हो जो कि आपको कवर नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। सो ये पॉकेट के अंदर आप फ़ोन डालते हो वही जो है आपका वायरलेस चार्जर है, एंड पॉकेट में डालते हैं यहाँ स्क्रीन में आपको दिख जाता है कि ये सभी वायरलेस चार्जिंग जो है वो ऑन हो चुकी है। इनफैक्ट इतनी फैंसी एंड हाईटेक फीचर व्हीकल है, बट कोई भी टच कंट्रोल एकदम ऐसे फैंसी एकदम इजी टू यूज है। ये से पूरा टच कंट्रोल है, बट आपको यहाँ पे जो है वॉल्यूम नॉब जो है फिजिकल बटन जो है नेविगेशन होम व्हीकल इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा डायल जो है चीज़ें कंट्रोल करने के लिए वो मिल जाता है। इसका जो पार्किंग लाइट का बनाना था उसके लिए सो वेरी इजी टू यूज। इसका जॉयस्टिक आता है जिसके आगे इंजन स्टार्ट स्टॉप जो है लेन डिपार्चर वार्निंग ऑटो सारे फंक्शन आते हैं। स्पीकिंग ऑफ बटन, बाकी सारे जो बटन है जैसे मैंने आपको कहा था ना इसमें एयर सस्पेंशन आता है व्हीकल लोअर या अब जो आपको मैन्युअली करनी है तो यहाँ पे उसका बटन आता है। ड्राइविंग मोड्स जो आते हैं उसका भी बटन जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में जो है इसके मिल जाता है। हीटेड सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स पीछे नहीं आपको वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं आजकल रेयर काफ़ी जो आजकल फीचर्स आने लग गए, बट बीइंग अ लग्जरी एसयूवी मैंने एक्सपेक्ट किए थे इसमें, बट दो आपको पीछे नहीं मिलते इसके वेंटिलेटेड सीट्स आगे आ जाते हैं। फाइनली जो इसके स्पीकर्स पे आते हैं इसमें जो है इतना हाई आउटपुट है ना ये वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम लिटरली एस्केलेट। कभी मैंने गाने सुनने के लिए जो है मैं एक्साइटेड रहता हूँ, जो सराउंड साउंड आता है ना पूरा 3D इफेक्ट जो व्हीकल में आता है पूरे रूफ में स्पीकर्स है। पूरा ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ना इसके लाइन है डैशबोर्ड में, पूरा डैशबोर्ड ही इसका जो है वो स्पीकर है। ए पिलर पे स्पीकर जो है इसके सी पिलर जो लास्ट वाला पिलर है ना थर्ड सीट के ऊपर नीचे ऑफकोर्स उसके सब वूफर्स वगैरह आते हैं, पर ऊपर रूफ में तक पूरा फ्रंट से रियर तक इसके आपको स्पीकर मिल जाते हैं। वही ख़त्म नहीं होता, इसके हेडरेस्ट पे भी आपका जो हेडरेस्ट है अभी आप साइड में देख सकते हो इसके हेडरेस्ट में तक जो है वो स्पीकर आते हैं। 36 स्पीकर जो एक व्हीकल में आप होना जस्ट इमेजिन करो, दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड देन वो एक मेन इसका हाईलाइट फीचर हो गया, फ्रिज वगैरह मैंने आपको बताया। देन ये जो है कर्व OLED डिस्प्ले जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट व्हीकल है 38 जब ये व्हीकल आई थी 38 इंचेस का जो है कर्व LED डिस्प्ले। यस आप इसका जो है TV जैसा मत समझना, 38 इंच मतलब जिसमें तीन स्क्रीन आते हैं। लेफ्ट स्क्रीन जो है यहाँ पे एक आपको जिससे जो आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कंट्रोल करते हो, आपका जो एवरेज वगैरह जो है ना आपको बताता है, हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग उसके लिए अलग से यहाँ टच स्क्रीन है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाजू में वो कंटिन्यू होते हैं यहाँ तक। सो ये सारा मिला के जो 38 इंच की जो है फर्स्ट एवर देख सकते हो आप OLED स्क्रीन है। एंड देन इसके ऊपर भी जो स्टिचिंग है एंड जो पूरा कर्व डिस्प्ले जो है स्पेशली साइड से अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे हैं जो दिख के आता है लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ऑफकोर्स जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको इसमें जो है और एक चीज़ बिल्ट इन Amazon Alexa तक ये व्हीकल में आपको मिल जाता है। देन ये जो कैडिलैक का लोगो जो इसके हाउसिंग पे है, सीट बेल्ट का वगैरह जो यहाँ पे भी एक्चुअल में ये सिंबल्स आपको दिख जाते हैं। एंड इवन ये टच स्क्रीन जो है वन ऑफ द इजीएस्ट इंटरफेस है, सारे जो लार्ज आइकॉन्स आपके सामने हैं एंड सारे सेटिंग्स भी जो इजी टू यूज़ है। जैसे बस एक चीज़ है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन कहीं नहीं है, वो जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन है आई दिख रहा है उसमें अंदर जाके जो है सारे व्हीकल सेटिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाती है। एम्बियंट लाइटिंग भी इसमें मिल जाती है, एकदम मर्सिडीज लेवल की एम्बियंट लाइटिंग नहीं है, जस्ट स्टिल जो आप सेवल कलर्स में जो है इसकी एम्बियंट लाइटिंग चूज कर सकते हो। ऑडी BMW जैसे इसमें 360 कैमरा भी आता है और जो है काफ़ी मतलब जो है एकदम बुरा दिखता है मैं बोल सकता हूँ। जो इनफैक्ट हुंडई का भी जो है न्यू जेनेसिस वगैरह वो इतना हाई क्वालिटी जो है लेस लैगी है, ये जो एकदम लैगी है एंड एकदम कार्टूनिश जो है ये एस्केलेट जो अभी इसमें दिखती है वो दिख के आती है।
हाउएवर ये चलो भले इतना अच्छा सिस्टम नहीं होगा, बट जो इसमें अच्छा है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट नहीं द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, ड्राइविंग का जो फील देते ना व्हीकल, इसका ऑडियो सिस्टम देन ड्राइविंग फील जो है, पूरा लाइफ जो है आपको सामने आपके सारा जो दिखता है। पहले डिस्ट्रैक्टिव लगा था बट अभी जो है मैं यूज टू हो गया हूँ, एंड इतना हाई डेफिनेशन जो है डिस्प्ले। एंड जब ये मैप्स चलते रहते हैं ना, जब ये आपको लाइव बताता है एरोस मोड के, लाइव ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है व्हीकल में कि जो टर्न आ रहा है तो कौन से टर्न पे आपको बुढ़ना है, से एरोस जो है वो लाइव प्ले जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हो जाते हैं। तो ये जो था उनको व्हीकल के साथ आ जाता है। बट मैंने जैसे कहा था ना वो एग्जॉस्ट सिस्टम ऑप्शनल, ऐसे और एक दो ऑप्शनल चीज़ आती है इसमें, सुपर क्रूज जिसके ऊपर आएंगे वो भी $2,700 $2,500 कनेडियन जो है, सारे तीनों ऑप्शन है। तो उसमें और एक ऑप्शन आता है इसके डिस्प्लेज में आकर जाओ तो अब इसमें जो है यहाँ से लेफ्ट स्क्रीन से जो स्टैंडर्ड गेज ला सकते हो, पूरा मैप भी जो है यहाँ पे आप ला सकते हो, AR कैमरा जो मैंने आपको बताया, देन इसमें आता है नाइट विजन। यस बट एक चीज़ है, जैसे जीप ग्रैंड वैगनर में भी ये फीचर आता है जिसकी मेन कॉम्पिटिशन व्हीकल है, बट उसमें जो है आपको रात मतलब जो है दिन में भी प्ले होता है वो कैडिलैक एस्केलेड में, बस आपको वो रात में ही, जब ये अभी जैसे कि दिन चल रहा है तो नहीं दिखेगा, वो बस रात में ही दिखेगा। पर आपने अभी देखा होगा कितनी क्रेजी है व्हीकल फीचर्स के मामले में एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इसके बावजूद भी और ज़्यादा एक्सपीरियंस है व्हीकल का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इतने ऊपर आप बैठते हो, इतनी बड़ी व्हीकल जो आप चला दे। सो नाउ दैट मीन लेट्स जस्ट टेक दिस कैडिलैक एस्केलेड आउट फॉर अ ड्राइव। अभी जो इसमें लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलेरेटर, व्हील स्पिन, लिसन टू दैट एग्जॉस्ट। तो इसमें जो है ऑप्शनल कैट बैक जो है, मैंने आपको परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है वो बताया था। सो स्पेशली जस्ट जो है वो स्पोर्ट्स मोड पे एंड हायर RPM में जो है व्हीकल के इनसाइड थोड़ा आता है, एंड आउटसाइड भी आपको थोड़ा नॉइज जो है वो मिल जाता है। बट स्टिल मैंने जैसे कहा था कोई स्पोर्ट्स व्हीकल नहीं है, जैसे मेरे आगे चैलेंजर है या ऐसा कोई जिसमें जो एग्जॉस्ट नोट आए इसके V8 से। पर अभी आप यहाँ देख सकते हो ऑन ही हो गया है। सो जो इसका जो ट्रैक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रहता है, बट एक टाइम का जैसे अभी व्हील स्पिन सेंस हुआ था, स्टेबिलिटी कंट्रोल जो ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो जाता है इसमें, एंड दैट वॉज अ फन। आई थिंक यही मेन चीज़ है। ऑफकोर्स एक्सेलरेशन तो इसमें है क्विक, नो डाउट, बट इतने जो बड़ी व्हीकल, इतना बड़ा मास जो है वो मूव होता है ना, वो एकदम अलग ही फील है, एकदम क्विक जो है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल रेंज रोवर या GLS जो फील हो जाएगी, इतनी फील नहीं होती, बट डेफिनेटली जो है इट्स क्विक। एंड अगर ये एक्सेलरेशन बाद गैस माइलेज की बात करें, सो ये एक्सेलरेशन वगैरह करने के बाद जो है, इवन आप अच्छे से भी चलाओ, बट थोड़ा आप सिटी में तो चला ही लेते हो व्हीकल, हाईवे पे कितना भी चला गए, हाईवे पे जो है 8 का दे देते हैं, बट ओवरऑल एवरेज जो ये व्हीकल ने मुझे 5 का दे दिया। सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ जो 6.2 लीटर का बड़ा V8 इंजन है जो व्हीकल की साइज है। एंड देन जो लॉन्च देखा था जिसमें व्हीकल अभी स्पोर्ट्स मोड पे थी एंड टू व्हील ड्राइव पे ही थी, जैसे बाकी कोई कोई व्हीकल जाए स्पेशली आई थिंक फोर्ड जो है, जैसे आप स्पोर्ट्स मोड पे रहते हो ऑल व्हील ड्राइव पे चले जाते हैं, बट इसके टू व्हील ड्राइव जो ऑफकोर्स रियर व्हील ड्राइव पूरा प्लेटफॉर्म है। स्पीकिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, ये जो व्हीकल है वो अभी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसके ऊपर आपको Chevrolet Tahoe, Suburban एंड देन GMC Yukon ये सारे व्हीकल आते हैं, इवन पिकअप ट्रक्स भी, GMC Sierra, Chevrolet Silverado, ये सारे व्हीकल्स के साथ जो व्हीकल अपना ये ये एस्केलेट जो अपना प्लेटफॉर्म जो शेयर करती है। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक Suburban छोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स का जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू 2022 Sierra जिसमें अभी पूरा स्क्रीन वगैरह जो अपडेट किया है सेम Silverado में। सो वो सारे व्हीकल जो आई थिंक 5th जनरेशन में जो थे 2019 में जो न्यू प्लेटफॉर्म जो है Silverado थ्रू जो है वो आया था, आई थिंक सेम जो है 5th या 4th जनरेशन जो है कैडिलैक आपके लिए आई थी 2020 ईयर में। एंड देन उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है, क्योंकि पहले के एस्केलेड काफ़ी कंप्लेंट सुना होगा, स्पेशली इसके कंपटीशन व्हीकल जो थी वो टाइम पे लिंकन नेविगेटर, उसके मुकाबले जो इसकी राइड क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, इंटीरियर भी कुछ खास नहीं था, बट ये न्यू प्लेटफॉर्म जब भी आया कम्प्लीटली सारी चीज़ें चेंज हो गई है। मेन थिंग जो है अंडरनीथ जो चेंजेस हुआ, वो अभी आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो रियर में मिल जाता था। एंड देन दूसरा मेजर डिफरेंस ऑफकोर्स ये एयर सस्पेंशन जिसमें आता है, मैंने आपको बताया था 3 सेटिंग्स आते हैं आपको। एंड देन ये जो है मैं अभी बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ कि बड़े व्हीकल्स जो है ड्राइव करने का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी जो है टिम होटल जो है कॉफी आउटलेट है उसका ड्राइव थ्रू है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जो इसका नैरो ओपनिंग है ना, आपको जो है व्हीकल थोड़ी सी जो है नेविगेट जो है यहाँ से करनी पड़ती है। सामने जो व्हीकल है कैडिलैक XT4, सारे व्हीकल जो है इतने छोटे दिख के आते हैं व्हीकल के सामने। एंड नाउ कमिंग बैक टू जस्ट दिस व्हीकल जो है, अभी इसकी राइड क्वालिटी की बात करते हैं, मैंने कहा था सस्पेंशन आपको इसमें इंडिपेंडेंट मिले थे, मेजर डिफरेंस आया था इसके राइड क्वालिटी में, अभी इतनी स्मूथ है, लाइक लिटरली जो है एक्सीलेंट राइड क्वालिटी, स्पीड ये समझ में नहीं आता जो होता है ना व्हीकल में, कोई कोई सो जाता है बार बार, वो ऐसे इंसान को आप ये व्हीकल में डेफिनेटली सो जाएगा, स्पीड का जो है सेंस ही नहीं होता ये व्हीकल में। 130 किलोमीटर कितने भी कर रहे हो ऐसे लग रहा होगा कि काफ़ी स्लो जा रहे हो आप,
However, जैसे at the end of the day जो है ट्रक है, body on frame जो है, ये SUV है, I mean जैसे मैंने बताया ट्रक है, तो उसके वजह से जो है potholes में and जो खराब रास्तों में जो body movements होते हैं, जो जैसे body हिलती है vehicle की, वो सारे movement जो आपको इसमें feel होते हैं. एग्जैक्टली थडिंग नॉइज नहीं होता कोई, बट डेफिनेटली जो बॉडी मूवमेंट जो है वो आपको फील होता है. इसके आपको GLS के राइड क्वालिटी से थोड़ी डिफरेंट जो है राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ये व्हीकल में मिलेंगे. कॉर्नरिंग की बात की जाए, जैसे हम ये रैम्प जा ही रहे हैं, लिटरली कॉर्नरिंग के मामले में जैसे अभी इसमें एयर सस्पेंशन आते हैं, पूरा बॉडी जो है वेल कंट्रोल्ड है, एकदम जो है पहले के एस्केलेट में जैसे फील आता था इसमें नहीं आता. लिटरली व्हाट अ ग्रेट पैकेज. फाइनली नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, ये जो सुपर क्रूज है वो अभी जब हम बात कर रहे हैं, साउंड इंसुलेशन भी जो अभी आप सुन सकते हो, लिटरली जो अगेन अ वेरी बिग इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस एस्केलेट. अभी जो इसका हमें सुपर क्रूज होता है पर्टिकुलर हाईवेज पे ही सेट किया गया है हुंडई की, या जैसा नहीं कि कहीं पे भी आप जो है वो ऑन कर सकते हो. अभी जैसे कि लेट्स गेट बिहाइंड द ट्रक एंड यहाँ पे जो है लेन सेंटरिंग, ऑफ कोर्स अभी जो है क्रूज कंट्रोल ऑन करना है, जो ऑन है क्रूज कंट्रोल, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन के साथ ही जो है वो काम करता है. अभी मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखो अभी आ ही नहीं रहा है सुपर क्रूज, नो रोड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं. यूजुअली यहाँ पे जो है ब्लू लाइट ब्लिंक होती है एंड देन वो सिस्टम ऑन होता है. थोड़ी स्पीड बढ़ा, जैसे मैं अभी हाईवे स्पीड्स पे हो, मैंने थोड़ी जो व्हीकल की स्पीड जो है अभी बढ़ा दी है. सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइट दिखता है, यहाँ पे जो है इसका कैमरा है जो आपके चेहरे को स्कैन करता है. तो भी अभी आप फोन वगैरह यूज करें जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ कर रहे हो तो लिटरली जो है सुपर क्रूज जो है कैंसिल हो जाएगा. दूसरा कूल स्टफ जो है अभी इसमें, लाइक लिटरली पार्टी, अभी जो है मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर, चेंजिंग लेन जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, व्हीकल जो है अपने आप जो है अभी ये लेन चेंज कर रही है. और एक लेन चेंज भी जो मैं कर सकता हूँ, लेन चेंज कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाता है. एंड देन अगेन मैंने इंडिकेटर दिया, वापस जो है व्हीकल लेन चेंज कर रही है. दिस इज रियली कूल जो है. बट एट द एंड ऑफ जब ये सिस्टम काम करता है ना, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है. लाइक टेस्ला से भी कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बट हर जगह जो है ये काम नहीं करता. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. और मैंने कहा था जैसे एस्केलेट की जो अपील है, स्पेशली ये ब्लैक कलर में जो है दिख के आती है, लिटरली जो है वन ऑफ द स्पेशल व्हीकल जो है अभी ये मार्केट में सेल पे है मैं कह सकता हूँ. सो ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना, जैसे मैं स्टार्ट से कहता रहा, इवन न्यू वर्स, जितना आप चैनल को जो है सपोर्ट करोगे, चैनल जितना ग्रो होगा, उन्हें और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है मैं आपके लिए ले आ सकता हूँ. सो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट, दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन. एंड यस, कार अभी भी जो है अपने आप ही चल रही है, मैं ना ब्रेक दे रहा हूँ, ना एक्सलेटर दे रहा हूँ, ना लेन चेंज कर रहा हूँ, सब कुछ जो है स्लो भी कार अपने आप ही जो है हो रही है. अगर ये कैंसिल होने वाला रहेगा, जैसे सेंसर के आगे मैं हाथ रखता हूँ, देखो ये गाड़ी अचानक आ गई, गाड़ी ने ही खुद से ब्रेक दबाया.